स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में। यूपी SSC 2024 की एक बहुत बड़ी वैकेंसी अभी तक जो आपके सामने दिखाई पड़ रही है, लोगों में काफ़ी खुशी की लहर है कि इतनी बड़ी वैकेंसी आज तक नहीं आई। तो हाँ मेरे दोस्तों, इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं आई और इतने अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट भी नहीं आए। पर क्या ये वैकेंसी जो आई है, इससे पहले वैकेंसी आपको 2018 में देखने को मिली थी, फिर 16 में देखने को मिली थी। दोस्तों आप सभी लोग जो अभी नए नए स्टार्ट के ऊपर प्रोफेशन को जो अभी 2019-20 के 21-22 के पास आउट हो, उन सभी को बता देता हूँ, वैकेंसी आई है, काफ़ी अच्छी बात है। पर आपको ये बात ध्यान रखना होगा कि ये वैकेंसी हर एक स्टेप में काफ़ी ज़्यादा जो सहयोग है हमारे संदीप भाई हैं, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसमें सपोर्ट किया, तब जाकर के 16 और 18 की वैकेंसी का पेपर हो पाया था। तो आप सभी लोग, सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा, वैकेंसी आई अच्छी बात है, पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप बता रहा हूँ जो कि फ्यूचर इंजीनियर के नाम से है, जहाँ पर आपको डिप्लोमा यूनिटी की बात होती है, डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए बात होती है कि किस तरीके से एग्ज़ाम कराया जाए। ये वैकेंसी तो आ गई है, एग्ज़ाम कब होगा, हर एक स्टेप पे हमको लड़ना होगा, इसीलिए हमको हमारी यूनिटी होनी चाहिए, डिप्लोमा की यूनिटी होनी चाहिए। इसलिए आप सभी लोग से गुजारिश है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, टेलीग्राम पर फ्यूचर इंजीनियर ग्रुप को ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करिए। जब यहाँ हमारी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तब हम अपनी बातों को लोगों के सामने रख सकेंगे और हर एक स्टेप को जल्दी जल्दी काम करवा सकेंगे। आपको बता दूँ कि 16 की वैकेंसी अब जा करके ज्वाइनिंग हुई है, 18 की वैकेंसी में हमने भी एग्ज़ाम दिया है, अभी तक उसका ज्वाइनिंग नहीं हुआ है और अभी तक उसका रिजल्ट तक नहीं आया है, 6 साल हो गए हैं। तो ये वैकेंसी आई है, अच्छी बात है, पर हर एक स्टेप में हमको लड़ना होगा, इसीलिए हम सबको एक साथ मिलकर रहना होगा, तैयारी करनी होगी। तो सबसे पहली बात, आप इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, फ्यूचर इंजीनियर ग्रुप को, जहाँ पर समय समय पर आपको बताया जाएगा अगर एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तो कैसे क्या स्टेप अपनाना होगा, कहाँ चलना होगा, जहाँ पर हमारे बहुत से लोग यहाँ से अभिषेक हैं, और उसके बाद शुभम भाई हैं, और फ्यूचर इंजीनियर हैं मयूर वर्मा सर, प्रदेश उपाध्यक्ष है, जो कि हर समय समय पर अगर एग्ज़ाम नहीं होता है, कोई काम करना होता है, ग्रुप में कैसे सचिव साहब से मिलना है, कैसे आगे का काम प्रोसीजर आगे बढ़ेगा, इन सब के बारे में यहाँ बताई जाती है। तो ये अहम जानकारी है, बाकी जो बातें आपने इसमें तो नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है उसमें आप सब पढ़ सकते हो, पर जो अहम भूमिका है ये ज़रूर आप लोग करिएगा, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है, शायद अभी उस हालात से गुजरे नहीं हो। जब आपको लगेगा वैकेंसी आ गई, अच्छी बात है, मैं बार बार ये करूँ, वैकेंसी आ गई, अच्छी बात है, पर ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम इसका बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ होता चला जाएगा, इसलिए हम सबको एक साथ जुट होना पड़ेगा। पहली वीडियो में बता रहा हूँ कि आप सभी लोग ज़रूर इस ग्रुप को ज्वाइन करें। उसके बाद बता देता हूँ, वैकेंसी आपकी आज स्टार्ट हुई है, नोटिफिकेशन आकर रिलीज हुआ आपका, उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो 7 मई से स्टार्ट होगी, अंतिम तिथि है आपकी 7 जून, ठीक है। उसके बाद उसमें अगर कोई संशोधन होता है तो आपकी तारीख आएगी 14 जून को, ठीक है। कुल वैकेंसी यहाँ पे जो है रहने वाली है 2848 इतना पद रहने वाला है, और पेट 2023 के आधार पर रहने वाला है। जिन भाइयों ने 2023 का पेट एग्ज़ाम दिया है, उनके नंबर अगर कुछ भी हों, 0+ होंगे, बस 0+ होने चाहिए, तो ये समझ लीजिए कि आप ज़रूर एग्ज़ाम देने को पाओगे और अभी से तैयारी में लग जाओ। किसी को नहीं पता कट ऑफ कितनी जाएगी, बस इतना जान लीजिए, अगर आपने पेट 2023 दिया है, आपके नंबर कुछ भी हैं, 0 से अबव हैं, तो आप सभी लोग एग्ज़ाम देने को ज़रूर मिलेगा, ये आप समझ के चलिए, जितने भी टेक्निकल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं। जिन्होंने पेट नहीं दिया है उनके लिए तो भाई एक बहुत ही दुखद खबर है, क्योंकि जितनी वैकेंसी आ रही हैं वो सारी पेट के बेस पर आ रही हैं, तो आप लोगों को पेट देना चाहिए, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं दिया है तो भाई उनके लिए कुछ ही नहीं कह सकते, तो ये बातें ज़रूर ध्यान रखिएगा। सबसे अहम बात जो मैंने यहाँ आपको बताई है, इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना है, इस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद ही हम लोग अपनी बातों को रख पाएंगे जहाँ कहीं किसी के सामने रखनी होगी, ठीक है मेरे भाई। और बाकी रही बात तैयारी की, तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी, हमारे चैनल आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, समय समय पर इसके संबंधित वीडियो आपको यहाँ देखने को मिलेगी, हो सकता है इसका पैटर्न का। हाँ, बहुत से लोग एग्ज़ाम देखो, जो जब 2018 में जब मेरा पेपर हुआ था, तो इसमें 18 पेपर तो नहीं हुआ, पेपर हुआ आपका जाकर के 2022 के अंदर पेपर हुआ, ठीक है, 22-23 पेपर हुआ, जिसका पेपर का पैटर्न क्या था, पेपर 1 था आपका, और पेपर 2 दो पेपर हुए थे, ठीक है। मॉर्निंग टाइम में आपका जो था पेपर हुआ था, और पेपर 2 आपका हुआ, मॉर्निंग टाइम में आपका जो पेपर हुआ था वो आपका नानटेक का पूरा पेपर था 400 नंबर का, और यहाँ पे टेक्निकल का 600 नंबर का था, टोटल 1000 नंबर का था। तो अब पर बात सुनने में आ रही है कि सिलेबस जब आउट होगा तो इसका पेपर का पैटर्न चेंज हो सकता है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, पेपर का पैटर्न कुछ चेंज हो सकता है, उस पर भी आपको ध्यान रखना है।
तो उस वो तो समय के हिसाब से मालूम पड़ेगा, पर 18 में ये पैटर्न था, पुराना पेपर यही था। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए वैकेंसी आ गई, काफ़ी खुशी की बात है भाई। और आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, समय समय पर आगे आप आगे आपको कैसे काम करना है उसको यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बाकी ये सारा नोटिफिकेशन का चीज़ है। और बाकी जो कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बताता रहूँगा। और हाँ एक बात, जो भी लोग EWS और OBC सर्टिफिकेट से ताल्लुक रखते हैं वो अपना OBC सर्टिफिकेट नया बनवा लें, क्योंकि अभी तक आपने UPJ का हो सकता है कोई फॉर्म ना भरा हो, तो अगर पुराना स्टेट का रखा हो, सेंट्रल में लगा करता है पर स्टेट का बहुत पुराना हो गया हो, तो उसको स्टेट का फिर से बनवा लीजिए। ठीक है, EWS वाले भी अपना बनवा लीजिए, उसके बारे में यहाँ कुछ बातें दे रखी हैं EWS का, आप लोग जरूर उसको पढ़ के ही अपना देख लीजिएगा, नया उसमें बनवाना पड़ेगा। OBC का तो आपका कन्फर्म है, नया बनवा लीजिए, काफ़ी आगे काम आएगा। आज की वीडियो बस इतना ही, ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।